व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज मेरा नाम है प्रदीप और आप सबके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइज हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब के न्यू अपडेट्स को हम कैसे जो है कि नए फीचर्स को पा सकते हैं, यूट्यूब अपडेट करने के बाद हमें क्या क्या नया मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में कम्प्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइज, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहें। तो चलिए गाइस आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस YouTube एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद हमें क्या नए फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले हम आपको ओपन करने के बाद दिखाते हैं। तो गाइज YouTube एप्लीकेशन हो चुका है ओपन और आप यहां पर कई सारे सिंबल्स को नया देख पा रहे होंगे। गाइज सबसे पहले ऊपर आप यहां पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये भी न्यू फीचर्स है जहाँ से आप जो है किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी को तो नहीं लेकिन यहाँ पर आप TV और मोबाइल को एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। साथ ही अगर दूसरी डिवाइस को आप अगर इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके ही जरिए, इस फीचर्स के जरिए ही आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दूसरी डिवाइस को भी ऑन करना होगा और जो आपके नियर बाय डिवाइस होगी, जो आपके पास जो है काम कर रही होगी डिवाइस, उससे ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर आप TV को कनेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लिंक विद TV कोड इस पर प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको एंटर TV कोड, TV का जो कोड होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। साथ ही आप इस तरीके से TV को भी इसके साथ लिंक कर पाओगे और आसानी से इसे यूज़ कर पाओगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपको नीचे लर्न मोर का भी ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप इस फीचर्स के हेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एफर्टिव है और साथ ही आप किस तरीके से मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, ये वीडियो हम इस चैनल पर फिर से लेकर आएंगे और साथ ही आपको नए वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप दूसरे डिवाइस को इस डिवाइस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा इस वक्त में ज़रूर कमेंट्स करना कि आपको ये फीचर्स कैसा लगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा कम्प्लीटली बताएंगे कि आप डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। I'm not afraid of the dark.